हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। स्टूडेंट्स, मैं आपकी इंग्लिश की टीचर मिश्रिता तोमर। आज आपको आपकी पोएम का सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है वो सिखाने जा रही हूँ। सेंट्रल आइडिया सिखाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और दूसरे लोगों से भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वीडियोज को देखें और उनका लाभ हो। स्टूडेंट्स, आज जो सेंट्रल आइडिया मैं आपको सिखाऊंगी वो आपकी पोएट्री की फर्स्ट पोएम मर्सी का सेंट्रल आइडिया है। ये पोएम मैंने आपको पहले ही टीच कर दी है, इसकी हिंदी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई है कि ये पोएम कहाँ से आई है, किसने लिखी है और इस पोएम के अंदर क्या बताया गया है। अब जब आपने पोएम की ट्रांसलेशन को अच्छे से जान लिया है, हिंदी को जान लिया है कि दया के बारे में इसके अंदर बात हुई है, तो आपको सेंट्रल आइडिया लिखने में आसानी होगी, आप सेंट्रल आइडिया आसानी से लिख देंगे। देखिए बच्चों, अभी तक 10th क्लास में क्या होता था, आप पोएम को पढ़ते थे हिंदी में, जो मैंने आपको काफ़ी पोएम पढ़ाई हुई है, फिर उसका एक सेंट्रल आइडिया आप रट लेते थे किताब में से, और उसको रटने के बाद फिर आपको 10th में क्या होता था, कुछ लाइनें पोएम में से दे दी जाती थी, उनके नीचे उनके क्वेश्चन दे दिए जाते थे, आपको उन लाइनों को पढ़कर उन क्वेश्चन के आंसर देने होते थे। लेकिन 12th क्लास में थोड़ा अलग होगा, पोएम का सेंट्रल आइडिया तो 12th क्लास में और 11th क्लास में भी आएगा आपका, लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर नहीं दिए जाएंगे, बल्कि आपको पोएम की लाइनें दी जाएंगी और उनको आपको एक्सप्लेन करना होगा, एक्सप्लेनेशन उनकी लिखनी होगी। एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में सिखाऊंगी। आज क्योंकि हम सेंट्रल आइडिया सीख रहे हैं तो उसे ही मैं आपको सिखाऊंगी कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है किसी पोएम का। बच्चों, सबसे पहले तो आप सेंट्रल आइडिया का मीनिंग देखिए, होता है केंद्रीय विचार। केंद्रीय विचार यानी कि मुख्य विचार क्या था, मुख्य भावना क्या थी पोएट की, क्या उसके मन में लिए बैठा था वो जब इस पोएम को लिखने बैठा था, भाव क्या था उसका, तो उसका भाव क्या था, दया। उसके मन में सिर्फ दया, दया को लेके सब कुछ लिख रहा था वो, कि दया दिखाओ, दया करो, ये करो, दया ये होती है, दया वो होती है, वो किस पे बल दे रहा था, दया पे। दया को किस किस चीज़ से उसने कंपेयर किया कि कैसे कैसे दया दिखानी चाहिए, क्या उसके बेनिफिट है, क्या उसको देने से लाभ होता है, क्या लेने वाले को लाभ होता है, क्या एक राजा के लिए उसका बेनिफिट है, क्या एक राजा की प्रजा को उसका बेनिफिट है, ये सारा इस पोएम में बताया गया है। इसी को हम अपने वर्ड्स में लिखेंगे। देखिए बच्चों, इस पर जाने से पहले मैं एक बार आपको पोएम को रिमाइंड कराना चाहूँगी, इसलिए आप पोएम की लाइनों को बहुत शॉर्ट में समझने की कोशिश कीजिएगा, जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी। पहली लाइन क्या थी कि पोएट जो मर्सी होती है वो दबाव से नहीं स्वाभाविक होती है, कोई भी दया ज़बरदस्ती नहीं दिखा सकता है कि भाई मैं दया दिखाऊँ, या कोई कह दे कि तू दया दिखा, ज़बरदस्ती दिखा, ऐसा नहीं हो सकता, ये स्वाभाविक होती है। तो एक ऐसी सुखद बारिश की तरह होती है, धीमी धीमी बारिश की तरह होती है, जो आसमान से गिरती है बारिश उनकी तरह होती है जो नीचे के स्थान पर गिरती है, जैसे बारिश गिरती है ऊपर के स्थान से नीचे के स्थान पर और वो कभी भी नीचे से ऊपर को नहीं जाती है, ऐसे ही दया होती है। वो केवल एक ऊपर वाला व्यक्ति या एक अमीर आदमी ही गरीब आदमी पर दिखा सकता है, या ईश्वर ने हमें देकर भेजा है उस गुण को जो हमें दूसरों के लिए प्रयोग करना है। ये कौन कह रहे, पोएट कह रहे, ये दो तरह का वरदान होता है, ये उसके लिए भी वरदान है जो दया दिखाता है, और उसके लिए भी है जो दया को रिसीव करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, ये सर्वशक्तिमानों में शक्तिमान है, ये एक सिंहासन पर बैठे राजा के लिए उसके मुकुट से भी ज़्यादा कीमती हो जाती है अगर उसके अंदर है। ठीक है, उसकी जो राजनीतिक अधिकार है वे तो केवल उसके सांसारिक अधिकारों को दिखाते हैं, उसके गुण को दिखाते हैं भय और शान के, और जो लोगों के दिल में राजा के प्रति केवल क्या डर और भय ही उत्पन्न कर सकता है। लेकिन जब मर्सी जो है ये राजदंड से काफ़ी ऊपर होती है और ये राजाओं के दिल में विराजमान रहती है, और ये खुद भगवान का एक गुण है, खुद भगवान का ही गुण है, दैवीय गुण है ये, और सारी जो सांसारिक शक्तियाँ है या सांसारिक जो पावर किसी को दी गई है संसार में कुछ भी करने के लिए,
किसी को मार दे छोड़ दे, अगर उसमें हम वे बिल्कुल भगवान की शक्ति की तरह दिखाई देने लगती है यदि उसमें हम थोड़ी सी दया मिला ले। एक इंसान भगवान ही बन जाता है जब किसी के प्राणों को बख्श देता है, उसे अधिकार है लेने या छोड़ने का, और जब वो छोड़ देता है तो वो उसका खुदा बन जाता है। ये इस पोएम में बताया गया है। अब इसका हम सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे, देखिए पहली लाइनों में किस बात पर बल दिया गया है कि जबरदस्ती नहीं दिखा सकते हैं, वही तो जैसे बारिश गिरती है नीचे के स्थान पर ऐसे गिरती है, और दोहरा वरदान होता है किसके लिए, देने वाले और लेने वाले सबके लिए, और सर्वशक्तिमानों में भी शक्तिमान होता है। ये कितनी लाइनें हैं, यहाँ आप देख रहे हैं 5 लाइनें हैं, इनको हम शॉर्ट में लिखेंगे। देखिए सेंट्रल आइडिया का मीनिंग है जो भी हमने पोएम में पढ़ा उसे बहुत शॉर्ट में और तरीके से बताना, मतलब स्टेप बाय स्टेप बताना। सबसे पहले हम बात करेंगे मर्सी के बारे में, पहले उसको बताएंगे मर्सी क्या होता है। पोएट वॉन्टेड टू टेल अस, ठीक है, पोएट जो है हमें बताना चाहता है दैट कि जो ये मर्सी है, बताना चाहता था कि जो मर्सी है ये है एक नोबल वर्च्यू, एक क्या श्रेष्ठ गुण है। वर्च्यू मीन्स गुण और नोबल मीन्स होता है श्रेष्ठ, ऑफ ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव के दिल का, मानव के दिल का एक श्रेष्ठ गुण है मर्सी। इट इज अ डिवाइन गिफ्ट टू मैनकाइंड, इट इज यह है अ एक डिवाइन यानी कि दिव्य गिफ्ट यानी कि उपहार टू मैनकाइंड मानव के लिए, ठीक है। अब देखिए आगे, इट कैन नॉट बी फोर्स, इसको हम किसी को दबाव नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी यानी कि इसको दबाव नहीं दिया जा सकता, इसको दबाव से नहीं दिखवाया जा सकता है। इट इज स्पॉन्टियस, ये क्या है स्वाभाविक है, स्पॉन्टियस यानी कि स्वाभाविक है। आगे देखिए, इट ब्लेसेज इस इट ब्लेस्ड बोथ द गिवर एंड द रिसीवर, ये दोनों को ही क्या करता है आनंदित करता है या आशीर्वाद देता है, दोनों के लिए ही आशीर्वाद है, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी, दोनों के लिए ही क्या है आशीर्वाद है। तो यहाँ तक हमने इसको 4 लाइनों को एक्सप्लेन किया है कि 4 लाइनों में राइटर ने क्या कहा है। अब आगे की लाइनों को देखेंगे। देखिए द थ्रोन मोनार्क वाली लाइन से देखेंगे, ये जो एक सिंहासन पर बैठे हुए राजा है उनके लिए उनकी जो राजनीतिक शक्तियाँ हैं उनसे भी ज़्यादा क्या है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, कि उसके मुकुट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजनीतिक शक्तियाँ तो उसकी सांसारिक शक्ति को दिखाती है और उसके उस गुण को दिखाते हैं जो भय और शान का है, और जिससे केवल राजा के प्रति भय और डर ही लोगों के मन में पैदा होता है, लेकिन दया जो है इससे कहीं ऊपर है, और ये जो है राजाओं के दिल में विराजमान होती है, और ये खुद में एक दैवीय गुण है। जो अर्थली पावर अगर किसी को मिल गई है वो एकदम दैवीय बन जाती है जिसमें हम क्या कर ले दया का मिश्रण कर ले। तो ये लाइनें अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें कितनी है काउंट कीजिए, ये लाइनें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनें हैं। अब इनको हम देखें बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ से आप देखेंगे यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया है। आगे देखिए, इट्स सूट्स, ये क्या होता है शूट करता है, ठीक है, या ये उपयुक्त है राजाओं के लिए ज़्यादा या अधिक उसके देन मीन से देयर क्राउन यानी कि उनके मुकुट से, ये राजाओं के लिए उनके मुकुट से भी ज़्यादा कीमती है या ज़्यादा उनको रास आता है, ज़्यादा अच्छा सजता है उनके साथ उनके मुकुट से भी ज़्यादा। ये एक भगवान का गुण है, जब एक इंसान न्याय देता है दया के साथ, जब एक इंसान न्याय दे रहा होता है और उसको सॉफ्टन कर लेता है, उसमें थोड़ी कोमलता ले आता है मर्सी से, दया से थोड़ी कोमलता के साथ जब वो न्याय देता है या नर्म होकर न्याय देता है दया के साथ, तो उसकी जो शक्ति है वो ऐसे देखी जाती है जैसे कि वो खुद भगवान की शक्ति है, ऐसे वो दिखाई देती है। और क्या हम सभी को दयायुक्त होना चाहिए टुवर्ड एवरीवन, हर एक के प्रति, हमें सभी के प्रति दयावान होना चाहिए, यहाँ पर पोएट्री कह रहा है। तो अगर आपने देखा हो 5 और 9 कितनी लाइन हुई 14, और हमने कितनी लाइनों में सेंट्रल आइडिया को कर दिया है। अब आप ये देखिए, ये वन लाइन, ये 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन,
एट लाइन और नाइन लाइन, नाइन लाइन में ही हमने सेंट्रल आइडिया कर दिया है। और को अगर आप चाहे तो इससे भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन बातें सारी आनी चाहिए। कवि किन चीज़ों को कहना चाह रहा है उसे बहुत शॉर्ट में बहुत तरीके से बताने को ही हम सेंट्रल आइडिया कहते हैं। पोएम वाली भाषा को यूज ना करके, एक सिंपल लैंग्वेज को यूज करके ही हम सेंट्रल आइडिया को लिख सकते हैं। आई थिंक आपको सेंट्रल आइडिया समझ आया होगा। थैंक यू, टेक केयर।